मालदीव में क्या कर रही है भारतीय सेना, जिसे हटाना चाहते हैं मोइज़ज़ू, चीन से क्या है कनेक्शन। मालदीव में जब से मोहम्मद मोइज़ज़ू राष्ट्रपति बने हैं, तब से भारत के साथ रिश्तों में तल्खी आ रही है। मोइज़ज़ू कई मौकों पर भारत विरोधी बयान दे चुके हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से दोहराते हुए कहा है कि भारत के हर सैनिक को मालदीव से चले जाना चाहिए। राष्ट्रपति चुने गए मोइज़ज़ू 17 नवंबर को शपथ लेंगे। उन्होंने कहा है कि जिस दिन वो पद संभालेंगे, उसी दिन से मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाना शुरू कर देंगे। मोइज़ज़ू ने अपना पहला चुनाव इंडिया आउट कैंपेन पर लड़ा था। मोइज़ज़ू को 53% वोट मिले थे, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को 46% वोट हासिल हुए थे। अब एक बार फिर से मोइज़ज़ू ने इस बात को दोहराया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमें मालदीव की जमीन पर कोई भी विदेशी सैनिक नहीं चाहिए। मैंने मालदीव के लोगों से वादा किया था और मैं पहले दिन से अपने ही वादे पर काम करूंगा। चुनाव जीतने के बाद पहली रैली में मोइज़ज़ू ने कहा है, मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता सबसे ज्यादा मायने रखती है। लोग नहीं चाहते कि भारतीय सैनिक मालदीव में रहे, जो हमारी भावनाओं और इच्छा के खिलाफ यहाँ नहीं रह सकते। मोइज़ज़ू का कहना है कि हम विदेशी सैनिकों को मालदीव के कानून के मुताबिक वापस भेजेंगे। उन्होंने रैली में कहा था कि मालदीव के लोगों ने उन्हें वापस भेजने का फैसला लिया है। मोइज़ज़ू को चीन का समर्थक माना जाता है, हालांकि वो खुद किसी देश को समर्थक बताते नहीं है। चीन समर्थक सवाल पर मोइज़ज़ू ने कहा कि मेरी सबसे पहली प्राथमिकता मालदीव और उसकी स्थिति है। हम मालदीव समर्थक हैं। कोई भी देश जो हमारी प्रो मालदीव नीति का सम्मान करता है और उसका पालन करता है, वो मालदीव का करीबी दोस्त माना जा सकता है। वहीं इससे पहले तक मालदीव में भारत समर्थित सरकार थी। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार में मालदीव और भारत के रिश्ते मजबूत हुए। चुनाव प्रचार के दौरान मोइज़ज़ू की पार्टी ने सोलिह पर गुपचुप तरीके से भारत से डील करने का आरोप भी लगाया था, जिस कारण मालदीव में भारतीय सैनिक तैनात थे। भारत ने मालदीव को 2010 और फिर 2013 में 2 हेलीकॉप्टर दिए थे। इसके बाद 2020 में एक छोटा विमान भी तोहफे में दिया गया था। भारत ने ये 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इसलिए दिया था ताकि मालदीव को मेडिकल इक्वेशन और समंदर की निगरानी में मदद मिल सके। इन विमानों के रखरखाव के लिए कई सारे टेक्नीशियन और पायलट मालदीव में हैं। बताया जाता है कि 2013 से ही यहां के लामू और अद्दू द्वीप पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा भारतीय नौसैनिक भी मालदीव में तैनात हैं। पूरे मालदीव में भारतीय नौसेना के 10 कोस्टल सर्विलांस रडार इंस्टॉल कर रखे हैं। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के जनरल अब्दुल्ला शमाल और रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने संसदीय समिति के सामने बताया था कि मालदीव में 75 भारतीय सैनिक तैनात हैं। मोइज़ज़ू का राष्ट्रपति चुनाव जीतना भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मोइज़ज़ू को चीन का समर्थक और भारत का विरोधी माना जाता है। दरअसल मालदीव हिंद महासागर में है और इस वजह से वो भारत और चीन दोनों के लिए ही इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। मालदीव में 1100 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं, जो हिंद महासागर में दक्षिण से पश्चिम तक फैले हुए हैं। इनमें से 16 द्वीप को चीन लीज पर ले चुका है। मोइज़ज़ू असल में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के प्रतिनिधि थे। यामीन भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं और इस कारण से वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। यामीन 2013 से 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे। उनकी सरकार में मालदीव चीन के करीब चला गया था। उन्हीं की सरकार में मालदीव चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ा था। इतना ही नहीं, मालदीव में ब्रिज और एयरपोर्ट बनाने के लिए चीन ने अरबों डॉलर का कर्जा भी दिया था। 2018 में चुनाव प्रचार के दौरान यामीन ने भारतीय सैनिकों का वीजा रद्द करने और हेलीकॉप्टर विमान वापस भेजने की धमकी दी थी। 2018 में जब इब्राहिम सोलिह सत्ता में आए तो भारत से करीबियां बढ़ी। चीन का दबदबा कम करने के लिए पिछले साल भारत ने मालदीव को $500 मिलियन देने का वादा किया था। हालांकि बताया जाता है कि अब तक इनमें से $17 मिलियन ही मिले हैं। हालांकि अब जब वहां मोइज़ज़ू राष्ट्रपति बन गए हैं, तो ऐसे में मालदीव और भारत के रिश्ते एक बार फिर तल्ख हो सकते हैं। वहीं चीन से उसकी करीबी बढ़ सकती है। 3 नवंबर 1988 को मालदीव में विद्रोह हो गया था। श्रीलंका से आए उग्रवादियों ने मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश की। 3 तारीख को ही मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मामून अब्दुल
गयूम भारत आने वाले थे, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यक्रम के चलते ये दौरा टल गया। श्रीलंका से आए ये उग्रवादी गयूम का तख्ता पलट करने वाले थे। इस पूरे तख्ता पलट के साजिश श्रीलंका में कारोबार करने वाले मालदीव के कारोबारी अब्दुल्ला लथूफी ने रची थी। हथियारबंद उग्रवादियों ने धीरे धीरे मालदीव की सरकारी इमारतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मालदीव ने भारत से मदद मांगी। 4 घंटे में ही आगरा से भारतीय सेना ने मालदीव के लिए उड़ान भर दी। कोची से वायु सेना मालदीव पहुंचने लगी। भारतीय सेना के मालदीव में आने से उग्रवादी हैरत में पड़ गए। भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। उग्रवादियों ने एक जहाज को अगवा कर लिया। अमेरिकी नौसेना ने इसे इंटरसेप्ट किया और भारतीय सेना को इसकी जानकारी दी। बाद में भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो इस जहाज पर उतरे। इस कार्रवाई में 19 लोग मारे गए। आखिरकार जहाज को उग्रवादियों के कब्जे से छुड़ा लिया गया। 2 दिन तक चले इस पूरे अभियान को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया। हालांकि इस तरीके से वर्तमान में मालदीव की अब परिस्थितियां बदल रही हैं। अब देखना यही होगा कि मालदीव और हिंदुस्तान के रिश्ते आने वाले समय में कैसे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट।